हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको व्रत के खाने में साबूदाना और मखाने की खीर बनाना बताऊंगी। दोनों को एक साथ इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मखाना 1 बोल, साबूदाना 1 बोल, शुगर 1/2 बोल और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, एंड हरी इलायची कुटी हुई, रेजिन्स, सम रेजिन्स जितने आपको पसंद हों, कुछ बादाम एंड कुछ काजू, तो उस और 1/2 लीटर मिल्क मैं ले रही हूँ इसके लिए। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे। अब हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई है, हम इसमें मखाना को ड्राई रोस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे मखाने हल्के से ब्राउनिश कलर में आ गए हैं और ये इनमें क्रंच भी आ गया है, देखिएगा ये। तो हम इसे बंद कर लेंगे गैस को, और अब मैं इसको मिक्सी में हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड कर लूंगी, बस ओनली 1 या 2 बार। मैंने मखाने भून के उसी कढ़ाई को साफ करके उसमें मैंने 1/2 लीटर मिल्क डाल दिया है, फुल क्रीम मिल्क 1/2 लीटर। अब मेरे मिल्क जब तक पकेगा, मैं तब तक अपने बादाम वगैरह काट लेती हूँ, जो मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे थे उनको मैं काट लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे दूध में उबाल आ गया है, इसको 1-2 बार उबाल के, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। अब मैं इसमें साबूदाना डालूंगी। साबूदाना क्या है, पहले मेरे पास सूखा साबूदाना था ये, इसको मैंने 1 बोल साबूदाने को इसी बोल से 1 बोल पानी में सोक कर लिया था, करीब 5 मिनट्स 5 आवर्स, 5 घंटे मैंने इसको सोक किया। उसके बाद मुझे ऐसा साबूदाना मिला, ये देखिए ये सारा फूल चुका है, देखिएगा आप, अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है ये, बिल्कुल पाउडर टाइप। तो उसके बाद मैं अब इस साबूदाना को इस दूध के साथ मिक्स कर दूंगी ऐसे। अब ये 5 मिनट में गाढ़ा हो जाएगा और ये घुलेगा दूध के साथ, बहुत अच्छे से घुल जाता है ये। देखिए फ्रेंड्स, मेरा साबूदाना फूलने लगा है और सारा ये देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है ये। अब इसमें एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई थी, केसर भी मैंने लिया है, अगर आप लोग चाहें तो। केसर के ओनली 4-5 पत्तियां ऐसे ये मैं इसमें डाल दूंगी, केसर से फ्लेवर भी अच्छा आ जाता है और अभी थोड़ी देर में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। बस 10 मिनट में इसे पकने के लिए रखूंगी, एंड हिलाते रहना है इसे आपको, अदरवाइज दूध आपका उबाल आ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा साबूदाना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, केसर भी अपना रंग छोड़ने लगा है धीरे धीरे, ये देखिएगा। और अब मैं इसमें जो मैंने मखाने रोस्ट करके, बहुत ज्यादा मैंने इसको मिक्सी में नहीं घुमाया, हल्का हल्का सा, आप हाथ से भी इनको तोड़ सकते हैं अगर चाहें तो, इसको मैं डाल दूंगी। मखाने में प्रोटीन कैल्शियम सब कुछ होता है, व्रत में हम लोगों को इसकी जरूरत ज्यादा होती है, दिन भर हम लोग भूखे रहते हैं, तो अगर हम साथ में इसको भी डाल दें तो सोने पे सुहागा हो जाएगा ये। अब मेरी खीर देखिए रेडी हो चुकी है, इसमें मैं 2 चुटकी इलायची की डालूंगी, ओनली 2 चुटकी, बादाम, किशमिश और काजू, इनको अच्छे से मिक्स करके जो मैंने शुगर लिया था साथ में शुगर डाल दूंगी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, आपको जो टेस्ट पता है, पसंद है जितना शुगर, आप उतना ही शुगर डालिए। और देखिए दोस्तों, मेरी खीर बिल्कुल रेडी है, अब मैं इसे सर्व करूंगी।
आप लोग बना के देखिए इसे, बहुत टेस्टी बनती है। मेरी खीर रेडी है, इसको मैं गार्निश करूंगी कुछ किशमिश और थोड़े बादाम से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड एक बार आप प्लीज़ इसको ट्राई करके देखिए, एंड अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।